हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरी आ रही है कि सर वोकैबुलरी को किस तरीके से इम्प्रूव करें और जो नए नए वर्ड्स हैं, जो हिंदू के वर्ड्स हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको किस तरीके से याद करें, किस तरीके से मास्टर करें ताकि इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये बात सही है कि इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वोकैबुलरी का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एसएससी एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही डिसाइसिव रोल है वोकैबुलरी का, क्योंकि टीयर टू में काफ़ी सारे क्वेश्चन, करीब 40% पार्ट वोकैबुलरी का आता है। तो वोकैबुलरी का एक इंटरेस्टिंग तरीका, वोकैबुलरी को याद करने का, उसको रिटेन करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका मैं लेके आया हूँ। इस वेबसाइट पर मैं ये सीरीज़ मैंने ये स्टार्ट की है, इसमें एक पोस्ट में मैं 100 वर्ड्स यहाँ पर अपलोड करूँगा और इन पोस्ट को आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर आप पढ़ सकते हैं और आराम से आपको पढ़ना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, केवल पढ़ते पढ़ते ही ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इन वर्ड्स में मैंने सिनोनिम्स भी दिए हैं, एंटोनिम्स भी दिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें मैं ले रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बरिस्ता, एक ये वर्ड अभी पूछा गया था, बार्गेनियस, बस्किल, सारे नए वर्ड्स हैं, लेटेस्ट वर्ड्स हैं और यहाँ पर इन वर्ड्स का जो एक्सप्लेनेशन है ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में मैंने दिया है। जैसे कि नॉर्मली बुक्स में जो दिया रहता है बहुत ही बोरिंग स्टाइल में दिया रहता है कि एक वर्ड दिया रहेगा, इसके 4-5 सिनोनिम्स दिए रहेंगे, 4-5 एंटोनिम्स दिए रहेंगे, उस तरीके से याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वो रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है उस वर्ड को, जैसे आप मैशिनेशन, एक वर्ड देखिए यहाँ पर, सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लान टू गेन एडवांटेज और पावर, तो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख के दूंगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखूंगा, लेकिन अभी इसकी दो ही पोस्टें हैं, आगे की पोस्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तो इनको आप पढ़ें, इससे फ़ायदा उठाएं, डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत ही मेहनत से मैं इनको तैयार कर रहा हूँ। देखिए, रेटिन्यू ये वर्ड पूछा गया था, बेनिडिक्टरी ये वर्ड पूछा गया था, रेंगल, फॉनिंग, प्लमिट, और इन वर्ड्स को याद करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल इस साइट पर आपको आना है, इस पोस्ट को आपको खोलना है और डेली आपको रिवाइज करना है। देखिए, रिवीजन एक बहुत ही पावरफुल तरीका है वर्ड्स को याद करने का, क्योंकि जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो बार बार वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है और धीमे धीमे आप उसको, वो परमानेंटली वहाँ पर चला जाता है और उसको जब भी आप चाहें उसको रिटेन कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में या इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश लिखते समय। तो हाईली इम्पॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। देखिए, एक वर्ड दिया है रिजॉइंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजॉइंडर, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलेंगे, इनजॉइन, स्मिजन, अपटेक, हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये बीच में मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दे दिया है ताकि और अच्छा आपको फील हो, इसको आप मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितने, और जो भी वर्ड्स जैसे सेम साउंडिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको मैंने ज़रूर यहाँ पर दिया है, जैसे बिगेट और बिसेट, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बिगेट का क्या मतलब है, बिसेट का क्या मतलब है। बिगेट का मतलब है प्रोड्यूस और लीड टू, किसी चीज़ को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, और बिसेट का मतलब है ट्रबल समवन, किसी व्यक्ति को परेशान करना, बिसेट या किसी व्यक्ति का परेशान होना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप पूरी वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं, एक पोस्ट में मैं 100 वर्ड दूंगा। बेहेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इसको आप मान सकते हैं कि कोर वोकैबुलरी है ये, ऑर्डर या कमांड को हम बेहेस्ट बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड वर्ड बिहोल्ड, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड वर्ड है इसलिए इसके पास मैंने इसको दे दिया है। बिहोल्ड का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु को निहारना, टू सी एंड लुक एट समवन। तो इन वर्ड्स का यूज जब आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में, अपनी एग्जाम्स में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी और बहुत इंप्रेसिव तरीके से इन वर्ड्स को आप अपनी अपनी राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडेसिटी, ये देखिए, अब ऑडेसिटी से रिलेटेड वर्ड है एट्रोसिटी, तो एट्रोसिटी भी मैंने यहाँ पर दिया है, टेमेरिटी भी मैंने यहाँ पर दिया है, हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं। और इसी वेबसाइट पर आपको वोकेबलरी की ई बुक्स भी मिल जाएंगी, इनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पे नहीं करना है, वैसे वो पेड थी पहले लेकिन अब मैंने उनको फ्री कर दिया है। तो यहाँ से करीब 2500 से 3000 जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं उनकी भी 6-7 यहाँ पर वोकैबुलरी की ई बुक्स हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर आप डाउनलोड करें और इस पोस्ट को आप ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो।
और इस साइट को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पर मैं कोई भी पोस्ट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस साइट को सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर ऊपर दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं, यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, CGL की या CPO की या स्टेनो की, तो इसमें मैंने SSC CGL 2017 का प्री के सारे पेपर्स का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा PDF के साथ, इसमें PDF भी है। तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्री के लिए IBPS PO प्री के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स भी यहाँ पर चल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो वोकैबलरी के लिए ये बेहतरीन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पूरा पोस्ट आपको नीचे बता देता हूँ। हाईली यूजफुल वर्ड्स हैं। अब देखिए मिलते जुलते वर्ड्स मैंने पास पास में दिए हैं, जैसे आप यहाँ पर यदि देखें कि हडल का क्या मतलब है, ठीक है, मडल का क्या मतलब है, और नीचे देखिए कडल का क्या मतलब है, तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। मडल का क्या मतलब है, जिटरी का क्या मतलब है, और जब आप इनको वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी एंजॉय आप इसको करेंगे, क्योंकि डिस्क्राइब किया हुआ, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में मैंने इन वर्ड्स को यहाँ पर दिया है, और हाईली यूजफुल ये आपके लिए रहेगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, बैंकिंग का, SSC का, ARO का, कोई भी UPSC, सभी के लिए ये वोकेबलरी हाईली हाईली इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है, तो जरूर मुझे आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते, जरूर बताएं कि क्या इसमें मैं मॉडिफिकेशन करूं ताकि और भी ज़्यादा यूजफुल आपके लिए ये सारी पोस्ट रहें। ये देखिए, और सभी वर्ड्स आप ध्यान से देखें, डेली आके आप इन वर्ड्स को आप रिवाइज यदि करते हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। डाइवल्ज एक वर्ड दिया है, डिल्यूज एक वर्ड दिया है, डेवरिस, ये मिलते जुलते जो वर्ड है जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है और जो एग्ज़ाम में आते हैं, ये वर्ड्स मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन करके दिए हैं। ये देखिए, तो सारे वर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पार्ट टू आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके पार्ट टू पर आप चले जाएंगे, पार्ट टू देख सकते हैं। यहाँ से आप 1000 वर्ड्स की ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका कंटेंट इन वर्ड्स से अलग है। ये वर्ड्स केवल आपको यहीं पर मिलेंगे, और आपको रिवाइज करना है, आपको इस साइट पर डेली आना है। englishiq.in, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, englishiq.in, और यहाँ पर आप इस पोस्ट को डेली आएँ, डेली पढ़ें और सारे ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। ये सीरीज़ पूरी मैं चला रहा हूँ, इसके दो पार्ट अभी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आगे के पार्ट इसमें डेफिनेटली अपलोड हो जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। और मैं आपसे सब्सक्राइब की बोल रहा था, यहाँ से आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें ईमेल आईडी अपना डाल दें और अपना सब्सक्राइब कर दें, तो इससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी मैं अपडेशन करूँगा तो उसका उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से इसको फेसबुक पर, ट्विटर पर, पिंटरेस्ट पर प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस सीरीज से फ़ायदा हो सके उनको भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पोस्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए हाईली यूजफुल ये वर्ड्स है। बुक में से पढ़ना बहुत ही बोरिंग रहता है, लेकिन यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ये इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से आप पूरा शेयर इसको कर सकते हैं, और कोई भी कमेंट है तो मुझे लिख के बताएं, यहाँ पर देखिए ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें इस वेबसाइट को, और इन पोस्ट को आप जरूर पढ़ें, इससे फ़ायदा उठाएं। कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर मैं आगे की पोस्ट अपलोड करूँगा। तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।